सुहांगर, जो भी बंदा इस वीडियो पे क्लिक करके आया है, जस्ट मैं आपसे लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार फ्री फायर बैन हुआ है जहाँ फिर नहीं, मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। खत्म, बाय बाय टाटा। सुगैर देखो, आपको अगर नहीं पता ना फ्री फायर बैन है जहाँ फिर नहीं बैन है, सुगैर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप सिंपली जानना चाहते हो फ्री फायर बैन है जहाँ फिर नहीं, सो ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी वीडियो को फॉलो वॉच कर लेना, जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जो कि गैर देखो, आपको जाना है यूट्यूब पर, ठीक है, एंड सर्च करना है फ्री फायर बैन, ठीक है। एंड जितने भी वीडियो आपको दिखेगी ना, जितने भी वीडियो दिखेगी आप सभी को, सभी की सभी ऊपर क्लिक करके सभी वॉच कर लेनी फुल, ठीक है। एंड आपको पूरा का पूरा दिन लगा देना है, फिर आपको जाकर पता चल जाएगा कि फ्री फायर बैन है जहाँ फिर नहीं बैन है। भाई इतना मुश्किल काम, इतना टाइम स्पेंड कौन करेगा, इतना डाटा भी नहीं मिलता। अगर आपने देखी है तो भाई बता दो हमको क्या सीन है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी एयरटेल के यूजर हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं खुद एयरटेल का यूजर हैं, बट गैर काफी सारे बंदे जियो वाले भी होंगे एंड अदर सिम वाले भी होंगे, बट जस्ट गैर एयरटेल का सिम एंड बीएसएनएल का सिम यू भी बंदे यूज करते हैं, उनका पहले नेटवर्क कनेक्शन एरर दिखाता था, ठीक है, जो कि गैर अभी गेम डायरेक्टली ओपन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि गैर जिन यूजर ने, जिन प्लेयर ने सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर सर्च किया नेटवर्क कनेक्शन एरर, मतलब कि फ्री फायर नहीं चल रहा है, फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, उन बंदों का, ठीक है, उनकी गैर स्टार्टिंग हो चुकी है सर्च रिलेटेड से, ठीक है। एंड वीडियो फिर बननी स्टार्ट हो चुकी है, फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, साथ अब तक तो यार न्यूज चैनल पे भी आ रहा है फ्री फायर बैन। मतलब कि आज तक पर मैंने देखा था न्यूज, आपसे फोटो से नहीं पर दे पा रहे हो कि फ्री फायर भी जो है बैन हो चुके हैं। एंड ऐसे ऐसे न्यूज गायर आपको बहुत सारे देखने को मिल चुके हैं। हाँ, अगर वीडियो के अंदर भी आपको पता चल जा चुका है ये न्यूज के बारे में। एंड एयरटेल ने जो सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन एरर लाया था गायर, वही फिर से अनब्लॉक कर दिया गया है फ्री फायर की सर्विस को। मतलब जो बोल रहे थे फ्री फायर बैन है इसलिए हमने ब्लॉक कर दी गई है सर्विस, एंड वो सिंपली जो है अनब्लॉक क्यों कर दी गई है आई डोंट नो, ठीक है, इसके बारे में मेरे को नहीं पता है। एंड जस्ट लास्ट बात आपको ये बता दूंगा, फ्री फायर बैन है जहां फिर नहीं बैन है, ठीक है। ये मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। सबसे पहले हम बोलते थे कि फ्री फायर जो बैन हुआ है जहां फिर नहीं बैन हुआ है, इसके बारे में अभी तक न्यूज के अंदर नहीं आया है, तो इसीलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि फ्री फायर बैन है जहां फिर नहीं बैन है, ठीक है। सो सबसे पहले आप सभी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अगर अभी तो अखबार के अंदर भी आ चुका है फ्री फायर का नाम, ठीक है, मतलब 54 जो चाइनीज एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड उसमें अंदर आपको फ्री फायर का नाम भी देखने को मिल रहा है, जो कि अगर एक अखबार पर फोटो स्क्रीन पर दे पा रहे हो। एंड गायर एक और गायर, एक जो है आज तक का न्यूज चैनल आपको पता ही होगा, ठीक है, एंड बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, तो आपसे उसकी फोटो स्क्रीन पर दे पा रहे हो। एंड अगर यहाँ पर भी फ्री फायर का टॉप पे नाम है। एंड अगर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है चाइनीज एप्लीकेशन जिनको ब्लॉक कर दिया गया, जहाँ फिर मन के बैन कर दिया गया है, एंड अगर उनमें एक फ्री फायर का नाम भी आता है। एंड आपको क्या लगता है कि फ्री फायर बैन है जहाँ फिर नहीं, अभी तक क्या लगते हैं आपको, ठीक है, आप मेरे को बताना। बट अगर उसके साथ साथ आपको एक और प्रूफ देता हूं, एंड लास्ट में मैं ही बता दूंगा कि फ्री फायर बैन है जहां फिर गए, यार फ्री फायर बैन नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्री फायर बैन है जहां फिर सस्पेंड कर गए। सो गाइस आप सुन दे पा रहे हो, फ्री फायर इज सस्पेंड फॉर 1 मंथ नॉट बैंड, मतलब यार 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दी गई है। एंड उसके साथ साथ फ्री फायर नॉट फॉलोस द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट देन इट विल बी बैंड, मतलब यार देखो अभी गायर इसी बात पर आपको सैड नहीं होना है। सबसे मेन बात ये है कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ही है, ठीक है। काफी तो बंदे अभी बोलेंगे फ्री फायर आपने बोला है बैन हो चुके, बट गैर बैन नहीं बोला हूँ, सस्पेंड बोला हूँ। मीन्स कि गैर फ्री फायर इज टेम्परेरी बैंड, मीन्स सस्पेंड, ठीक है, अगर टेम्परेरी बैन है तो मीन्स सस्पेंड। एंड आप स्क्रीन पर दे पा रहे हो, एंड ग्रीन इज ट्राइंग टू कंटेंट गवर्नमेंट एंड डूइंग समथिंग ऑन पॉलिटिक लेवल टू अनबैन इट, मतलब कि गैर जस्ट ग्रीन फ्री फायर ट्राई कर रही है कंटेंट गवर्नमेंट करने के लिए, एंड जस्ट गैर जितने भी मतलब डूइंग समथिंग ऑन पॉलिटिक लेवल है, ठीक है, एंड उसको अनबैन करवाने के लिए क्या क्या उनको करना पड़ेगा फ्री फायर को, जस्ट वो आप सभी लोग को देख पा रहे हो। एंड हाँ, अगर आगे हो सकता है कि आपको 1 मंथ के अंदर सस्पेंड, मतलब यार जो भी फ्री फायर है हमारी रिटर्न देखने को मिल जाए, एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आपको 1 मंथ लग जाए, जहां फिर 2 मंथ लग जाए, जहां फिर 1 साल लग जाए। सो अभी तक इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। एंड फ्री फायर के इंडिया के अंदर बैन होने का कारण यही था कि यार जो भी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर जो इसको बैन कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, जस्ट टेम्परेरी बैन, ठीक है। एंड अगर 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जी अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अगर जस्ट बोला जा रहा है 1 मंथ के लिए सस्पेंड किया है। एंड अगर ग्रीन है फ्री फायर वाले इसके बारे में अभी कुछ भी बोले नहीं है, अगर उनका कोई रिप्लाई या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई फाइनल डिसीजन आता है, सो आपका भाई आपके लिए वीडियो बना देगा। याद है आपको एक लास्ट गुड न्यूज दे देता हूं, यार जो भी एयरटेल के यूजर्स थे जो गेम नहीं खेल पा रहे थे, नेटवर्क कनेक्शन एरर आ था, उन्होंने जो है फ्री फायर की सर्विस ब्लॉक कर दी थी ये बोल के गवर्नमेंट ने बोला है, सो वो जो अनब्लॉक हो चुकी है। आपसे इजिली जो भी आपके पास सिम है आपसे इंजॉय कर सकते हो गेम को, इंजॉय करो अपनी गेम को, आपकी गेम चल रही है फिलहाल अभी तक के लिए, तो आगे क्या होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलता है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो यार एक लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।